बच्चों को जन्म देते हैं, अंडों से वो जब बाहर आ जाते हैं तो महिला जो पंछी उसकी होती है, उसकी माँ, वो जो उसका जो छिलका होता है अंडे का, वो ज्यादातर खा जाती है, ताकि जो कैल्शियम वो उसमें है वो उसे वापस मिले। जब तक कोई औरत किसी बच्चे को जन्म नहीं दे देती, तब तक वो बच्चा उसके ही शरीर का हिस्सा माना जाएगा, अलग नहीं कह सकते उसको। इसलिए जो माँ महसूस कर रही है वही बच्चा महसूस कर रहा है, ऐसा माने। जो माँ जो माँ का स्वास्थ्य है वो बच्चे का स्वास्थ्य होगा, ऐसा माने ज्यादातर। और इसमें माँ अपना ख्याल रखेगी यदि, तो बच्चे का भी ऑटोमेटिकली ख्याल रखा जाएगा। ऐसे में जब माँ जन्म दे देती है बच्चे को, अब उसके शरीर से वो एक बहुत छोटा लेकिन बहुत बड़ा भी पूरा का पूरा टुकड़ा अलग हो जाता है अचानक। तो शरीर को नहीं पता चल पाता उस वक्त कि ये कोई जन्म हुआ है किसी बच्चे का, या फिर अचानक से किसी का कोई वजन कम हुआ है। शरीर का जो एल्गोरिदम है कहीं ना कहीं बहुत साइंटिफिक भी है, लेकिन फिर भी वो समझता है कि जैसे कोई शरीर से भाग अलग हुआ है, कोई अंग अलग हुआ है, कोई वजन कम हुआ है, तो उस वक्त कमजोरी आना स्वाभाविक है। जैसे कि वजन, कोई भूखा रहता है, उसका वजन गिर गया तो उसे कमजोरी आ जाती है। कोई बीमारी में है, खा नहीं पा रहा, अब उसको कमजोरी आ जाती है। अब वो उस वक्त जो महसूस करता है वही माँ महसूस करती है और वही बच्चा महसूस करता है। इसीलिए कहा जाता है ऐसी स्थिति में इनको कपड़े से सिर से ढको, इनको खाने को थोड़ी बहुत ऐसी गर्म चीज़ें दो, गर्म तर चीज़ें दो, थोड़ा इनको डिटॉक्स कराओ, थोड़ा इनको ताकत की पंजीरी बना कर दो। तो ये सब चीज़ें इसीलिए ऐसे नहीं बनी हुई। कई महिलाएं मैंने देखा है बच्चे के जन्म के 2-4 दिन 5 दिन बाद ही घूमने के लिए हवा में सिर बिना ढके चली जाती हैं। फिर होता क्या है कि वो जिंदगी भर उनके जोड़ों में दर्द नहीं खत्म होता, उनको शरीर में टांगों में दर्द रहता है, लिकोरिया रहता है, हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। वो समझ नहीं पाती कि वो किस फेज से निकल रही हैं। वो कहती कि हम मॉडर्न हैं, हमें ना रोको। और मैं ये नहीं कहना चाहता कि सभी महिलाएं ऐसी होंगी, बहुत सूझवान भी हैं और उन्होंने दुनिया देखी है, समझती हैं, चीज़ों को पकड़ पाती हैं, आपको साधुवाद है। लेकिन जब बच्चा अलग हो गया, अचानक से वजन कम हो गया, उस वक्त कमजोरी आती है, और उस कमजोरी को कैसे ठीक करें? बच्चे देना दुनिया में हर मादा के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, और इससे निपटने के लिए प्रकृति ने जहां कोई चीज समस्या दी उसके पास ही समाधान दिया होता है। जैसे कि पंछी अपने बच्चों को जन्म देते हैं, अंडों से वो जब बाहर आ जाते हैं, तो महिला जो पंछी उसकी होती है, उसकी माँ, वो जो उसका जो छिलका होता है अंडे का, वो ज़्यादातर खा जाती है, ताकि जो कैल्शियम वो उसमें है वो उसे वापस मिले, कहीं ना कहीं वो अपनी कमी को पूरा करे। ये नेचर ने उसके अंदर एक डाला है क्रेविंग के रूप में, रिफ्लेक्स के रूप में। जैसे आपको कभी खट्टा खाने का मन होता है तो उन दिनों में उनको भी इस तरह की कोई चीज़ खा लेने का मन होता है। ये नेचर ने बनाई है हमारे अंदर कॉल्स। तो आप उन कॉल्स को सुने कि आपको क्या महसूस हो रहा है। ठंड महसूस हो रही है तो आप ठंड के लिए मालिश करें, थोड़ा ऐसी गर्माइश वाली चीज़ें लें। बहुत अधिक गर्मी महसूस हो रही है, अचानक से बाहर ना निकल जाए, लेकिन बैलेंस करें अपने आप को। कुछ ऐसा खाएं जिससे थोड़ा सुकून मिले, चाहे वो फल हो सकते हैं, चाहे वो छाछ हो सकती है, चाहे वो घी हो सकता है। घी भी ठंडा भी होता है, उसके बावजूद भी वो आपको इतना ठंडा नहीं कर देगा कि आपको ठंड ही लग जाए। ये सारी चीज़ें करनी होती है, और गर्माइश तो ज़रूरी है माँ को, बच्चे को भी। बाकी आप अगर कैल्शियम की बात कर रहे थे, तो कैल्शियम के तौर पे आप फूल मखाने ले सकते हैं, उसकी पंजीरी ले सकते हैं। बहुत ज़्यादा कमज़ोर है आप, बच्चा भी और आप भी, दूध नहीं अच्छे से बन पा रहा, तो आप अश्वगंधा पाक ले सकते हैं दूध के साथ सुबह शाम 1-1 चम्मच, और दूध की ताकत बढ़ाने के लिए उसमें बाल बंधु अर्क डाल सकते हैं। बाल बंधु अर्क को सुधा अर्क भी बोलते हैं, सुधा अमृत को बोलते हैं। तो ये चूने से बना होता है, चूने का ही ये अर्क है,
चुनना कई बार पत्थरी कर सकता है, डिपॉजिट हो सकता है शरीर में, लेकिन चुनने का अर्क नहीं होता। ये बहुत सेफ है, और चुने का अर्क बच्चे को भी नहीं देना पड़ेगा, माँ ही ले ले अगर सुबह दोपहर रात नहीं, चार चार चम्मच, तो उतने में ही बच्चे के दूध में भी भरपूर कैल्शियम पहुँचेगा, बच्चा स्वस्थ होगा, बढ़ेगा, दांत समय पे निकलेंगे और आंखें पूरी खोलेगा, चलना जल्दी शुरू कर देगा। ये ऑन एंड ऑफ लिया जा सकता है, 2 महीने ले लिया दूध में या सब्जी के रसा में भोजन के साथ ही, और सुबह दोपहर 2 महीने ले लिया, 1 महीना बंद कर दिया, फिर 2 महीने ले लिया, फिर 1 महीना बंद कर दिया। जिसको पथरी होती है वो 15 दिन ले ले, 15 दिन हफ्ता बंद रख ले, 15 दिन ले ले फिर हफ्ता बंद रख दे, इस तरह से कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि और भी मैं जानकारी दूँ आपको इसी महिलाओं के गर्भाधान से लेकर के प्रसव तक के काल के अंदर क्या क्या हमें करना है, क्या है अन्नप्राशन, क्या है गर्भाधान संस्कार, तो मुझे नीचे कमेंट्स में बताइए, क्योंकि इतनी सारी वीडियोस को एक साथ बनाना तो संभव नहीं, लेकिन ज़्यादा कमेंट्स जिसके पहले आएंगे मैं उसी समस्या पे वीडियो पहले बनाऊंगा। तो आप कमेंट कर भी सकते हैं, और किसी ने अगर कमेंट किया है तो आप उसका कमेंट लाइक भी कर सकते हैं, जिससे कि मुझे बार बार ये पता चले कि मुझे इस वीडियो को बनाना है और मुझे इस वीडियो के लिए लोग डिमांड कर रहे हैं। आपने मुझे सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे आयुर्वेद के बनाए हुए प्रोडक्ट्स www.sanskritibazaar.com पर उपलब्ध हैं, आनंदम आयुर्वेद के नाम से। आप ज़रूर एक बार आजमाएं, आपको बहुत अच्छे लगेंगे। और मैं भी चाहता हूं कि जो मैं मेहनत कर रहा हूं आयुर्वेद पे और हमारी इस परंपरा पे, वो आगे बढ़े। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।